दोस्तों, आज की दुनिया में ऐसी स्थिति बन गई है कि अगर किसी के पास महंगी कार है तो उस व्यक्ति का स्टेटस बड़ा है। लग्जरी और तेज रफ्तार वाली कारें तो आपने सड़कों पर कई बार देखी ही होंगी, लेकिन दुनिया में कई ऐसी अजीबोगरीब कारें हैं जो सड़कों पर आकर्षण का केंद्र बनी फिरती हैं। लोग इन कारों की बनावट पर काफी पैसा खर्च करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वैसी ही गाड़ियों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो दिखने में काफी ज्यादा अजीबोगरीब हैं, लेकिन इन्हें देखने के बाद लोगों की निगाहें नहीं हटती हैं। नंबर 1, इलेक्ट्रिक फ्लाइंग रेस कार। दोस्तों, फ्लाइंग कार का सपना देखने वालों के लिए एक ऐसी हकीकत सामने आई है जिसे देखकर आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। उड़ने वाली कार बनाई भी जा चुकी है, जी हां, और इनकी लॉन्चिंग भी हो चुकी है। कार का नाम है MK3 एयर स्पीडर। ये कार कोई ऐसी वैसी कार नहीं है। MK3 एयर स्पीडर की स्पीड बिजली को भी मात दे सकती है। उड़ान भरने की इसकी क्षमता 93 और 155 मील प्रति घंटे के हिसाब से है। इसमें 8 रोटर लगे हुए हैं और महज ये 2.8 सेकंड में ये कार 0 से 62 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है। इसे लिथियम पॉलीमर बैटरी से 15 मिनट तक उड़ाया जा सकता है। कार की पहली उड़ान को सीक्रेट टेस्ट लोकेशन पर की गई। अब उम्मीद की जा रही है कि साल 2022 तक इसमें इंसान भी उड़ान भर सकेंगे। कार को बनाने वाले एयर स्पीडर और एलुडा एरोनॉटिक्स के चीफ मैथ्यू पर्सन ने कहा है कि उन्हें इस तरह के स्पोर्ट्स को शुरू करने में काफी खुशी महसूस हो रही है। वो इस तरह से दिखा सकते हैं कि इंसान और मशीनें मिलकर क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि उड़ने वाली कार्स का और विकास होगा। नंबर 2, अमेरिकन ड्रीम। साल 1986 में एक कार ने दुनिया की सबसे लंबी गाड़ी होने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कार की लंबाई 100 फीट थी। ये दिखने में एक कार से ज्यादा ट्रेन नजर आती है। इस कार का नाम अमेरिकन ड्रीम था। कार के अंदर एक साथ 70 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी। इस कार में कुल 26 व्हील्स थे और इसे दोनों साइडों से चलाया जा सकता था। दोस्तों, अमेरिकन ड्रीम को किसी कार मेकर कंपनी ने नहीं बल्कि जे ओहरबर्ग ने डिजाइन किया था। वो हॉलीवुड फिल्मों के लिए जाने माने व्हीकल डिजाइनर थे। ओहरबर्ग कारों के शौकीन थे और उन्होंने अपने लिए भी कई बेहतरीन डिजाइन वाली गाड़ियां तैयार की। अमेरिकन ड्रीम को साल 1980 में डिजाइन किया गया। इसे मूल रूप से 1976 कैडिलैक एल्डोराडो लिमोसिन पर तैयार किया गया। इसे बनाने और सड़क पर उतारने में 12 साल लगे। दुनिया की सबसे लंबी कार कहलाने वाली अमेरिकन ड्रीम कार हमेशा सही नहीं रह पाई। अमेरिकन ड्रीम को प्रोफेशनल व्हीकल के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए एक कंपनी को लीज पर दिया गया, लेकिन लीज के आखिर में इस कार को न्यू जर्सी के वेयर हाउस में छोड़ दिया गया। 2012 में इस कार को एक नीलामी में देखा गया। तब इस कार को काफी मरम्मत की जरूरत थी। खराब हुई बॉडी, छत में छेद, टूटी हुई खिड़कियां और जंग खाया हुआ जकूजी, मानो पूरी कार में कुछ भी देखने लायक नहीं रहा। 2014 में इस कार को न्यूयॉर्क के ऑटो ऑटोमोटिव टीचिंग म्यूजियम ने फिर से इस्तेमाल में लाने का प्लान किया। नंबर 3, वाटर कार पायथन। क्या आपने कोई ऐसी कार देखी है जो पानी पर भी उतनी ही आसानी से दौड़ती हो जितनी जमीन पर? इस अनोखी गाड़ी को वाटर कार नाम की कंपनी ने बनाया है। पानी पर चलने वाली कार बनाने वाली ये इकलौती कंपनी है, लेकिन इसकी कारें अन्य कंपनियों की गाड़ियों से अलग होती हैं। जो गाड़ियां पानी और जमीन दोनों पर चल सकती हों, उन्हें एम्फिबस व्हीकल कहते हैं। वाटर कार ने पानी पर चलने वाली गाड़ियों के कई मॉडल बनाए। इस कंपनी ने जनवरी 2010 में पानी पर चलने वाला वाहन बनाया था जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज था। कंपनी के उस एम्फीबस व्हीकल का नाम पाइथन था। कंपनी ने उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा और कई कारें बनाई। इसका सबसे मशहूर एम्फीबस व्हीकल पैंथर है और ये आजकल बिक्री के लिए उपलब्ध है। वाटर कार पैंथर की बात करें तो इसका वजन 1338 किलोग्राम है। ये 180 इंच लंबा है और उसकी चौड़ाई 72 इंच है। वाटर कार पैंथर में काफी ताकतवर इंजन लगाया गया है। पानी पर चलने वाली इस कार में होंडा का 3.7 लीटर वाला VTEC इंजन लगा है जिसे 4 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है। इस
गाड़ी को खरीदने के लिए आपको ढेर सारे पैसे चाहिए होंगे। जी हाँ, पानी पर चलने वाली इस खास कार को खरीदने के लिए आपको कम से कम 80 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इसके अलावा कंपनी के कई और मॉडल बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। नंबर 4, बुकाटी चेरन। दुनिया भर में फास्टेस्ट कार बनाने के मामले में फ्रेंच कार निर्माता कंपनी बुगाटी का नाम सबसे ऊपर है। अब तक इस कंपनी ने कई बेहतरीन लग्जरी स्पोर्ट्स कारों का निर्माण किया है। टॉप स्पीड की रिपोर्ट के अनुसार बुगाटी चिरोन दुनिया की 5वीं सबसे तेज रफ्तार कार है। इस कार में कंपनी ने 8 लीटर की क्षमता वाला W16 इंजन का प्रयोग किया है। ये इंजन 1479 हॉर्स पावर की शक्ति जनरेट करता है। ये कार महज 2.6 सेकंड में ही 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी रफ्तार 261 मील प्रति घंटा यानी कि तकरीबन 420 किलोमीटर प्रति घंटा तक दर्ज की गई है। इसकी कीमत $30 मिलियन है। नंबर 5, सिपानी बाडल। जब हम भारत में ऑटोमोबाइल के इतिहास को देखते हैं तो हमें ऐसे कई ब्रांड मिलेंगे जो बहुत ही अनोखे दिखने वाले मॉडल के साथ आए हैं। उनमें से कई को जनता ने स्वीकार कर लिया जबकि कुछ को कुछ वर्षों बाद बंद कर दिया गया। जब हम किसी कार के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में वो चार पहिए आते हैं। उनके बिना एक कार वास्तव में कार नहीं होगी, है ना। 1975 में एक भारतीय निर्माता बहुत ही यूनिक कार स्टाइल के साथ आगे आया, एक कार जिसमें तीन पहिए थे। इसे बाडल के नाम से जाना जाता था और सिपानी द्वारा निर्मित किया गया था। सिपानी ने भारत में बाडल का निर्माण किया और इसे 200 सीसी पेट्रोल इंजन द्वारा संचालित किया गया था जो उस समय के कुछ स्कूटर में इस्तेमाल किया गया था। इंजन को पीछे की तरफ रखा गया था। एक रिलायंट रॉबिन की तुलना में सिपानी बाडल पूरी तरह से अलग थी और शायद यही कारण था कि हमारे बाजार में इसकी सराहना नहीं की गई। 70 के दशक के अंत तक जब उन्होंने इसे लॉन्च किया, सिपानी ने केवल लगभग 150 इकाइयां बेची और उसके बाद एक साल बाद वो 300 प्लस इकाई बेचने में सफल रहे। रिलायंट रॉबिन एक अच्छी तरह से इंजीनियर कार थी और दूसरी ओर सिपानी बाडल की अपनी सीमाएं थी। सिपानी बाडल को जिन मुख्य समस्याओं का सामना करना पड़ा उनमें से एक थी, जब भी कार झुकी हुई थी तो पूरा भार आगे के पहियों पर पड़ रहा था और कई बार ये टूट भी गया था। कार अनुपातिक और संतुलित नहीं थी क्योंकि इसके आगे केवल एक पहिया था। इन सब कारणों से सिपानी बाडल हमारे बाजार में एक फ्लॉप उत्पाद था। नंबर 6, एस्टन मार्टिन 177। 20 करोड़ रुपए की कीमत वाली एस्टन मार्टिन 177 दो दरवाजों और दो सीटों वाली एक स्पोर्ट्स कार है। 6 किलोमीटर का माइलेज देने वाली एस्टन मार्टिन 177 में 7312 सीसी का दमदार इंजन दिया गया है। इसकी पावर 510 bhp की है। वहीं 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ने में इसे सिर्फ 3.5 सेकंड का समय लगता है। इसके फ्यूल टैंक की क्षमता 98 लीटर की है। कार में पैसेंजर एयरबैग, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और कार में ड्राइवर एयरबैग्स दिए गए हैं। नंबर 7, M1 Volkswagen Golf GTI। इस कार को फ्रैंकफर्ट मोटर शो में 1975 में पेश किया गया था। इसे ओरिजिनल हैचबैक कार भी कहा जाता है। हाल ही में रीस्टोर की गई देश की पहली मारुति 800 भी दिखने में इसी कार जैसी लग रही है। रैबिट के नाम से मशहूर ये कार 1983 में बनी और इस दौरान 43,000 कारें ही बनाई गईं। शुरुआत में इसमें 11.6 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया जिसे बाद में बढ़ाकर 1.8 लीटर कर दिया गया और ये कारें अब बेहद कम संख्या में बची हैं जिसके चलते इनकी कीमत करोड़ों में है। नंबर 8, एस्टन मार्टिन DB5। इस कार को लेकर सबकी अलग अलग प्रतिक्रिया है। कुछ लोगों का मानना है कि DB5 उतना अच्छी नहीं है जितना कि एस्टन मार्टिन की कारों से बतौर उम्मीद होना चाहिए, जबकि DB5 में लैंडमार्क लुक, एक क्लासिकल इंटीरियर और एक बेहतरीन इंजन मिलता है, लेकिन इसमें विशेष रूप से ड्राइविंग का कोई खास अनुभव नहीं है। इस मॉडल को उस समय उतारा गया था जब एस्टन मार्टिन ने अच्छी तरह से दौड़, स्पोर्ट्स सिद्ध स्पोर्ट्स कारों से दूर रहने की घोषणा की थी। नंबर 9, द ब्लैक वोल्गा। 1960 और 70 के दशक में रजिया पोलैंड के हंगरी और मंगोलिया जैसे देशों में द ब्लैक वोल्गो की कहानियों ने तहलका मचा दिया।
काले रंग की खूबसूरत कार लोगों के हुए किडनैप की वजह से काफी बदनाम हुई। कहा जाता है कि इस कार से लोगों से समय पूछने की आवाज आती है। जो कोई भी व्यक्ति समय बताने इस कार के पास जाता, उसे दरवाजा खोलकर अंदर खींच लिया जाता और किडनैप कर लिया जाता। ये कार रास्ते से कब आती है और कब रास्ते से चली जाती है, ये पता ही नहीं चलता था। कार के बाहर से हम देख नहीं सकते थे कि अंदर कौन बैठा है, इसीलिए किसी ने इस कार के ड्राइवर को भी नहीं देखा था। कोई समझता था कि इस कार को सोवियत यूनियन के ऑफिसर चलाते थे, तो कोई भी इंसान कहते थे कि इस कार को कोई शैतान खुद चलाता है। दोस्तों, इतना तो पक्का है कि इस कार से आप दूर रहना ही पसंद करेंगे। नंबर 10, मर्सिडीज बेंज F200 कॉन्सेप्ट। ये कार अपने रूप के लिए नहीं बल्कि किस तरह से चलाया जाता है इसके लिए डरावनी है। इसमें स्टीयरिंग व्हील या पैडल नहीं है, सभी कमांड एक तरह के जॉयस्टिक द्वारा भेजे जाते हैं। वीडियो गेम पसंद करने वालों के लिए ये बिल्कुल सही है, लेकिन उन लोगों के लिए डरावनी है जो केवल हाथ में कंट्रोल लेने के लिए उपक्रम करते समय गेम ओवर का सिग्नल देखते हैं, है ना? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से कौन सी मॉडिफाइड कार सबसे ज्यादा पसंद आई, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मीट यू इन अनदर वीडियो। टिल दैट, गुड बाय।